गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पर हम लोगों ने इंट्रोवर्टेड सेंटेंसेस को डायरेक्ट से नैरेटिव बदलने के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से नैरेटिव कैसे बदलते हैं। देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें चार प्रकार के वाक्य आते हैं, एक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रीचिंग। ये चार प्रकार के भाव जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस में व्यक्त होते हैं। तो आज हम लोग जो है जिसमें ऑर्डर कमांड सेंटेंसेस जिनको कहा जाता है, जिनमें आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा का भाव प्रकट होता है, उनके रूल्स का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर, कमांडेड अथवा चार्ज में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लिखते हैं, टी को टू। रिपोर्टिंग स्पीच को सिंपल इंफिनिटिव में बदल देते हैं, अर्थात टू लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों को मिला देते हैं। जैसे उदाहरण तुम समझ लें, राम सेड टू मी गो टू योर क्लास, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। देखिए, इन वाक्यों की पहचान होती है इनमें रिपोर्टेड स्पीच जो है या तो मैन वर्ब से शुरू होती है। राम, इसको जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, राम ऑर्डर्ड मी टू गो टू माई क्लास। इसमें विशेष ध्यान ये देना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से प्रारंभ हो तो डू हटाकर नॉट अथवा नेवर के बाद टू का प्रयोग करके वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। या दूसरा इसका और एक तरीका है, फॉरगेट लगाकर डू नॉट हटा देते हैं। उदाहरण देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू डोंट मेक ए नॉइस, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक ए नॉइस। इसी वाक्य को हम दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक ए नॉइस। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आज होमवर्क में स्टूडेंट्स शुड सॉल्व एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कमांड सेंटेंसेस फ्रॉम दियर टिपिकल बुक। थैंक्स, टुमारो वी विल लर्न अबाउट लेक्चर।